Subscribe to my channel and hit the bell icon for notifications. Assalamu alaikum friends, welcome to Nuri's Bombay Kitchen. आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी. इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा बाउल भर के पत्ता गोभी कटा हुआ, एक बड़ा आलू जिसके मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, आधा टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, एक मीडियम प्याज बारीक चॉप की हुई, ज़ीरा आधा टीस्पून, कड़ी पत्ते 8 से 10 पत्ते, हरी मिर्च 2 से 3 और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए. सबसे पहले मैंने एक पतीले में लिया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल. जब ऑयल गरम हो जाएगा इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ज़ीरा. उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी कड़ी पत्ता. फिर मैं इसमें डालूंगी प्याज. प्याज डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकने दें जब तक प्याज पिंक नहीं हो जाती है. इसको स्टर करते रहें ताकि ये जल ना जाए. अभी अच्छे से सॉफ्ट और पिंक हो चुकी है. इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट. अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको तकरीबन 30 सेकेंड्स तक और पकाएं ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो सारा का सारा निकल जाए. फिर मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, हरी मिर्च. अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो और हरी मिर्च ऐड करें. फिर मैं डालूंगी हल्दी. नमक. इन सबको जो है अच्छे से मिक्स करके भूनें आधे मिनट के लिए. अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम हो गया है तो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ी देर पकने दें जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते. मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल के ढक्कन लगा के टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी. ये आप देखें अब टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं. ये जो आलू मैंने पानी में डाल के रखे थे इनको पानी से निकाल के इसमें डालूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी. इसको मिक्स करने के बाद फिर से इसको ढक्कन लगाएं और 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से पकने दें. ये मैंने इसको आलू को 2 मिनट पकाया था ढक्कन लगा के. अब इसमें जो पत्ता गोभी है वो मैं ऐड कर दूंगी. पत्ता गोभी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है. इसमें मैं पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूंगी. जो ये पत्ता गोभी का जो पानी छूटेगा उसी में ये गोभी पकेगी. इसको ढक्कन लगा के जब तक आलू गल नहीं जाते हैं तकरीबन 10-15 मिनट स्लो फ्लेम पे इसको पकने दें. यह अब अच्छे से आलू भी गल गए हैं और गोभी भी पक गई है. इसमें अगर पानी हो तो पूरा सुखा दें और इसको हरे धनिए से गार्निश कर दें. इसको रोटी के साथ सर्व करें. बहुत ही ईजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए. Thank you for watching.